जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। समय किसी को राजा से रंग तो किसी रंग को राजा बना देता है। जिसका समय अच्छा चल रहा होता है उसके जीवन में खुशियों के ढेर लगे होते हैं। हिंदू धर्म में विपरीत समय से जल्द निकलने के लिए वास्तु टिप्स बताए जाते हैं। वास्तु के अनुसार ही घर के कमरे से लेकर सजावट की सभी सामग्रियां रखी जाती है। उसी तरह से घड़ी को लेकर भी दिशा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर लोग दीवार घड़ी को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिशा में लटका देते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी दीवार में घड़ी लटकाना वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र में घड़ी को सही दिशा में लटकाने के बारे में बताया गया है, तो आइए जानते हैं कि घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक कमरे में दीवार घड़ी की सबसे अच्छी दिशा उत्तर और पूर्व दिशा होती है। इन दिशा में घड़ी लगाना बहुत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि धन के देवता कुबेर उत्तर दिशा में शासन करते हैं, जबकि राजा इंद्र पूर्व दिशा में शासन करते हैं। इसलिए इन दिशाओं में घड़ी लगाना शुभदायक माना जाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भी पश्चिम दिशा में घड़ी लगा सकते हैं। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से जीवन में समृद्धि और विकास होता है, साथ ही घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। घड़ी लगाने में ना करें ये गलतियां। कमरे के दक्षिण की दीवार में कभी भी घड़ी नहीं लटकानी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। इससे पैसों की तंगी बढ़ जाती है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के मुताबिक हर कमरे में घड़ी नहीं टांगनी चाहिए और ना ही इसे बिस्तर के पास लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार, बालकोनी और बरामदे में भी घड़ी नहीं लटकानी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। घड़ी को दीवार में लगाने के बाद इस बात का विशेष ख्याल रखें कि यह हमेशा चालू रहनी चाहिए। अगर यह बंद हो तो तुरंत इसे चालू करें। बंद घड़ी को लगाना अशुभ माना जाता है। साथ ही घड़ी को हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। दीवार घड़ी को टूटे शीशे में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। घड़ी अगर सही समय नहीं बता रही है तो इसे तुरंत सही करें या फिर बदल देनी चाहिए। आप भी घर में घड़ी लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।